हेलो वाइस, वेलकम टू बॉलीवुड टॉप। सो वाइस, तारक मेहता का ओल्ड एस मामे चमत्कारी अंगूठी की स्टोरी का ट्रैक काफी इंटरेस्टिंग मोड पे पहुंच चुका है। एंड जैसा कि हमने रीसेंट एपिसोड में देखा कि यहाँ पर जेठालाल ने उस चमत्कारी अंगूठी को परचेस कर लिया है। एंड इस अंगूठी को परचेस करने का रीजन कुछ और नहीं बल्कि पत्रकार पोपटलाल की शादी एंड बाघा एंड नट्टू बाघा के साथ सब कुछ अच्छा होना था। यानी कि पोपटलाल की शादी जो कि इतने टाइम से नहीं हो पा रही थी, उस अंगूठी को पहनते ही उसके लिए शादी का रिश्ता आ गया। लेकिन पोपटलाल की बदकिस्मती कि उससे वो अंगूठी खो गई एंड उसकी वो शादी टूट गई। एंड यहीं पर जेठालाल को ये बात रियलाइज हुई कि जब तक वो अंगूठी पोपटलाल के हाथ में थी तब तक उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो रही थी, यानी कि उसकी शादी तय हो ही चुकी थी। एंड पोपटलाल ने जैसे ही वो अंगूठी खोई उसकी शादी टूट गई। एंड इधर तो नट्टू बाघा एंड बाघा के साथ सब कुछ अच्छा हुआ क्योंकि वो अंगूठी अब भी उनके पास है एंड इसीलिए उसने अंगूठी को परचेस कर लिया। लेकिन गाइस सवाल उठता है कि यहाँ पर जेठालाल की सभी इच्छाएं बाकी में पूरी हो रही हैं या फिर ये मात्र एक इत्तेफाक है। यानी कि जेठालाल ने जैसे ही उस अंगूठी को परचेस किया उसे 50 टीवी का ऑर्डर मिल गया। एंड इसके बाद जब जेठालाल अपने घर पर पहुंचा तो उससे बापूजी का चश्मा गलती से गिर गया एंड वो टूट गया। एंड यहाँ पर चंपकलाल जेठालाल पर गुस्सा करने के बजाय उससे माफी मांगने लगे एंड जिससे कि जेठालाल भावुक हो गया कि आखिर उसके बापूजी उससे माफी क्यों मांग रहे हैं, गलती तो उसकी थी। एंड जेठालाल इस बात को मन ही मन सोचता है कि आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, यानी कि इतना सब कुछ अच्छा क्यों हो रहा है। एंड उसके बाद उसे ध्यान आता है कि ये सब कुछ कहीं इस अंगूठी की वजह से तो नहीं हो रहा है, यानी कि जब से उसने अंगूठी पहनी है उसके बाद से ये सब शुरू हुआ है। एंड इसके बाद जेठालाल से बालकनी में आत्मराम भिड़े के ऊपर पानी गिर जाता है। एंड यहाँ पर आत्मराम भिड़े जो कि हमेशा ऐसा करने पर जेठालाल इस पर गुस्सा करता है तो यहाँ पर भिड़े भी उससे माफी मांगता है कि नहीं गलती मेरी है कि मैं यहाँ पर खड़ा हुआ था। वेल गाइस, यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा हो ये सब कुछ रियलिटी है या फिर इत्तेफाक है, लेकिन आने वाली स्टोरी में जेठालाल को एक बहुत बड़ा प्रॉफिट होने वाला है। जी हाँ, यहाँ पर जेठालाल को पूरे 11 लाख रुपए मिलने वाले हैं। एंड वो 11 लाख रुपए देने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका साला सुंदरलाल है। जी हाँ, आने वाली स्टोरी में सुंदरलाल गोकुलधाम सोसाइटी में आने वाला है क्योंकि सुंदरलाल ने एक लॉन्ड्री का बिजनेस शुरू किया है एंड उसी से उसे बहुत प्रॉफिट हुआ है, जिसमें से वो 11 लाख रुपए वही जेठालाल को वापस कर रहा है जो कि अब तक उसने जेठालाल से लिए है, यानी टैक्सी का भाड़ा और एंड यहाँ वहाँ से थोड़े बहुत रुपए जो भी उसने अब तक जेठालाल से लिए वो पूरे के पूरे 11 लाख रुपए उसे वापस कर रहा है। एंड जब सुंदरलाल जेठालाल को ये रुपए वापस कर रहा होता है तो यहाँ पर सुंदरलाल का बिहेवियर एकदम अलग होता है, यानी कि जैसे वो हमेशा बात करता है वैसे नहीं बल्कि उसकी बात करने की टोन एकदम अलग होती है। एंड यहाँ पर भी जेठालाल को लगता है कि ये सब कुछ मात्र इस अंगूठी का ही कमाल है। वेल गाइस, आखिरकार यहाँ पे सच्चाई क्या है, क्या यहाँ पे सच में सुंदरलाल ने कोई नया बिजनेस शुरू किया है एंड बिजनेस शुरू करते ही क्या उसे सच में इतना प्रॉफिट हो गया कि उसने पूरे 11 लाख रुपए जेठालाल को दे दिए है। भाई सुंदरलाल है, उसका काम सिर्फ जेठालाल से रुपए लेने का है ना कि देने का, तो आखिरकार वो इतने रुपए जेठालाल को क्यों दे रहा है। एंड के सच में आत्मराम भिड़े एंड अय्यर इन सभी के बिहेवियर में इतना चेंजेस सिर्फ इस अंगूठी वजह से आया हुआ है या फिर ये सब मात्र एक इत्तेफाक है। वेल गाइस, इस बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या सच में ये सब कुछ एक रियलिटी है या फिर कोई इत्तेफाक? वेल गाइस, इस बारे में आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बॉलीवुड टॉक को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे।